और गाना कोई किसी को देखेगा कि क्या छूट रहा है, तो अपना गाना है तो गया हुआ उसको छोड़ना तो जरूरी है, पहले इनका छूटा है तो इनका ना गाना होगा। हरदिया वाला गाना बहुत हम लोग पहले ही से सोच रहे थे रिलीज करने के लिए, बट देखे कि बहुत सारा इधर उधर से उल्टा पलटा पोस्टर आ रहा है तो हम लोग अपना गाना डायरेक्ट छोड़ दिए। देखिए यही सब गलत बात है, काहे नहीं जानती है, जरूर जानती होगी, जब रील बना सकती है तो नाम नहीं जान सकती होगी, ऐसा बात नहीं, जानती थी जानती है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार गीतकार हमारे साथ हैं मनीष रोहतासी जी, काफी सारा गाना इन्होंने हिट दिया है, सबसे भैया बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं गीतकार मनीष रोहतासी, मेरे तरफ से और मेहदी न्यूज की तरफ से पूरा भोजपुरिया समाज को दिल से धन्यवाद जो देख रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एक गाना है जो 500 मिलियन क्रॉस किया है, तो मान लीजिए गाना हाँ बहुत बजा है, सब पब्लिक का आशीर्वाद प्यार दुलार है, और यही कामना रहेगा जो हम गाना हम लोग अभी लिख रहे हैं, जो लिखते आ रहे हैं, अभी लिखे हैं जो आ रहा है, ऐसे ही पब्लिक प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहे, यही हम लोग कामना करेंगे। कौन से गाने थे? अभी गाना हम लोग का आ रहा है बहुत सारा, प्रमोद प्रेमी भी है और आया भी है गाना, अभी आया है गाना लवर विसर्जन, क्या बोला जाता है नीचे गमछा बिछा के, और गाना आया है क्लास में झकास लगे लू, अभी वायरल चल रहा है, बहुत सारा गाना आया है, मरिए ना न्यू प्रमोद प्रेमी सॉन्ग बहुत सारा आएगा गाना हिट, टेम्पू में पंखा लगवा दी जादव जी, अभी अभी बहुत सारा, कल कमिंग सून में मार गाना लगा हुआ है, फेसबुक खोलिए यूट्यूब खोलिए सब मिलेगा। अभी लगातार प्रमोद प्रेमी जी के साथ आपका जोड़ी देखा जा रहा है। हाँ तो देखिए हम लोग सबका काम करते हैं, प्रमोद भैया बोले हैं गाना लिखने के लिए, इनका गाना लिख रहे हैं। अभी तक कौन कौन से स्टार के साथ आपने काम किया है? बहुत लोग बहुत सारे सब स्टार के साथ, मैंने एगो दुगो बाकी है, लगभग ये गया है। नाम बताइए सारे स्टारों का, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पर्दे के पीछे लोग आपको जानते नहीं है लेकिन आप बहुत बड़े गीतकार हैं। अरे गुंजन सिंह हो गए, अंकुश राजा हो गए, प्रमोद प्रेमी यादव हो गए, बहुत सारे हो गए, टुनटुन यादव हो गए, शिल्पी राज, अंतरा सिंह, प्रियंका, बहुत सारे सब जितना मैंने है, कौन भैया का भी काम नहीं हम लोग किए हैं, अब सबका कर चुके हैं। भैया अभी अपने प्रमोद प्रेमी जी के साथ लगातार जुड़ी आपका आ रहा है, काफी सारा गाना भी आ रहा है, हरदी लागे ना जान के जो प्रमोद प्रेमी का गाना रिलीज हुआ है, ये काफी ज्यादा विवादित भी है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ना देखिए विवादित से मतलब नहीं है, गाना तो बहुत पहले रिकॉर्ड हुआ था, और गाना कोई किसी को देखेगा कि क्या छूट रहा है, तो अपना गाना है तो गया हुआ उसको छोड़ना तो जरूरी है, पहले इनका छूटा है तो इनका ना गाना होगा, मतलब जो पहले YouTube पे रिलीज किया जाए तो क्या? उनका ही गाना होगा, एकदम होगा, इसलिए कि हरदिया वाला गाना बहुत हम लोग पहले ही से सोच रहे थे रिलीज करने के लिए, बट देखे कि बहुत सारा इधर उधर से उल्टा पलटा पोस्टर आ रहा है तो हम लोग अपना गाना डायरेक्ट छोड़ दिए। ये कब रिकॉर्ड हुआ था प्रमोद प्रेमी जी का गाना? हो गया 5-6 महीना पहले, हो गया 5-6 महीना पहले, होली से पहले है, लेकिन खेसारी जी का भी कहा जा रहा है उधर से कि भाई 5-6 महीना पहले। गाना हरदिया वाला गाना में बहुत अंतर है ना, उनका कुछ धुन अलग है, ये धुन कुछ अलग है, तो सब हरदी हरदी लगाता जान के, हरदी मारो छमाता जान के, हरदिया कमरिया बहुत सारा, हम हरदिया पर गाना बहुत सारा लिख चुके हैं, गुंजन सिंह के लिखे हैं, और आनंद गोलू को भी हरदी वाला कुछ गाना करके लिखे हैं, गुंजन भैया के भी फिर लिखे हैं, और गाना हम लोग का हरदी वाला है, लेकिन ये पंच लाइन सेम मिल रहा है। देखिए धुन कंपोजिशन पुराना है तो मान लीजिए कहीं कहीं लड़ जाता है धुन, गाना लिखाएगा तो लड़िए जाएगा, आजकल जितना गाना है कंपोजिशन सट ही जाता है लगभग। तो क्या लगता है इस गाने को, प्रमोद प्रेमी जी का अभी शूट हो रहा है गाने का हरदी लागे ना जान के, इस गाने पे क्या रिस्पांस मिल पाएगा? अभी तो इसका वीडियो आने वाला है बहुत जबरदस्त, अलग कुछ अलग तरीका से आने वाला है, तो काफी अच्छा शूटिंग अभी हो रहा है। हाँ अभी एडिटिंग करके एक दो दिन में मैंने आ जाएगा, बहुत जबरदस्त आएगा उसका वीडियो, बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया। भैया अभी आप गीतकार है, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक विवाद चल रहा है सौम्या पोखरेल को लेकर, सौम्या पोखरेल को क्या ऐसा नहीं लगता है कि वो विवाद जो पवन सिंह को लेकर कही है कि भैया मैं पवन सिंह जी को नहीं जानती, आप कुछ कहना चाहेंगे? ना देखिए यही सब गलत बात है, काहे नहीं जानती है, जरूर जानती होगी, जब रील बना सकती है तो नाम नहीं जान सकती होगी, ऐसा बात नहीं, जब रील कोई बना सकता है, हम किसी का सर्च ऐसे तो नहीं
वहीं कर लेंगे, जब देखेंगे पवन सिंह का सर्च करेंगे उसके इसका मतलब कि गाना हमको नीक लगा तभी तो रील बनाएंगे ना जी। कैसे ना, कैसे नहीं जानते, कैसे बोल दिए कि भाई पवन सिंह जी को मैं नहीं जानता हूं। नहीं देखिए उसमें मान लीजिए बहुत सारा का एथी है, मान लीजिए हो सकता है कि उसको कोई माना किया होगा चाहे जो भी किया होगा, बाकी जानती थी जानती है ये सब। क्या लगता है ये कंट्रोवर्सी का मामला है? हाँ मान लीजिए अपना देखिए हर कोई आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आज बंद हो जाएगा ना सोशल मीडिया, 2 रुपया नहीं पेज से बनेगा ना यूट्यूब से बनेगा ना, तो कोई नहीं बनाएगा, कोई नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा कोई नहीं, विवाद भी समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं करेगा, कोई सोचता है कि हम बोल के नाम कमा ले कर ले वो कर ले, कोई नहीं बोलेगा पैसा नहीं बनेगा तो पेज से कोई भी आईफोक हो नहीं बनेगा तो ये सब कोई नहीं बनाएगा ना इंटरव्यू देगा। क्या लगता है खेसारी जी मौका दिए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन पवन सिंह जी को इस तरीके से लव जो उन्होंने कहा है शायद बदनामी हो रही भोजपुरी इंडस्ट्री को? हाँ हाँ मान लीजिए देखिए वो तो मान लीजिए अलग की बात है, कोई किसी के साथ काम करे वो अलग की बात है, बाकी कोई किसी के प्रति बोलेगा तो गलत नहीं बोलना चाहिए, आप जान के भी गलती करिएगा तो वो अच्छा बात नहीं। मतलब आपको कहने का मतलब वो जान कर गलती की? जब सच्चाई रील खोल के हम लोग मोबाइल नहीं देखते हैं, जब अगला रील बना सकता है तो जान कर नहीं सकता है। अच्छा अभी सोमय पोखरेल मान लीजिए इस वीडियो को देख रहे होंगे या कोई लोग नहीं जानते होंगे, आप बता दीजिए पवन सिंह जी कौन है? भोजपुरी के पावर स्टार है, बोल रहे हैं कौन है महाराज, हम लोग का जन्म हुआ है तब से वो गाना गा रहे हैं, भले हम लोग कम उम्र में इतना काम करते हैं चाहे जो भी कुछ करते हैं, माता सरस्वती कृपा है या पब्लिक का प्यार है, बाकी जो कर दिया है ना बहुत एक से एक, जब भी देखिए भक्ति का सीजन आता है तो दिल छू लेता है, भक्ति हो गया छठ का गीत दम तो है, ऐसे ही नहीं पावर स्टार उनका नाम जब भी पड़ा ऐसे नहीं पड़ा, दम तो है, सरस्वती गला दी है बास की है। तो पवन सिंह जी को नहीं जानते है? ना ना एकदम बोलिए दिए ना, हम जब कोई रील बना सकता है तो जान क्यों नहीं सकता है, हम प्रमोद प्रेमी का सर्च करें या किसी सिंगर का सर्च करें तो सर्च करेंगे का है, नाम जानेंगे तबे ना गाना अच्छा लगेगा तबे ना जी, ऐसे कैसे नहीं जान सकते हैं। चलिए भैया जाते जाते हमारे दर्शक से कुछ मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? यही देना चाहेंगे कि अभी लगन में हम लोगों का गाना एक से एक ब्लास्ट आ गया है और आने वाला है, तो सब गाना का प्यार आशीर्वाद देते रहे पब्लिक से, हम लोग यही आशा रखेंगे आशीर्वाद का। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल के लिए समय दिए इसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।